नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। आशा करते हैं मित्रों आप सभी सकुशल होंगे। यह डीएड के द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी के लगभग 100 प्लस महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट टू है। अगर आपने इससे पहले पार्ट वन नहीं दिया है देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर उसे जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो करेंगे लाइक एंड शेयर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास मित्रों, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, ब्राह्म चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह भी दर्शाइए। या क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, इन चिन्हों के नाम दिए जाएंगे और इन चिन्हों के प्रयोग पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न से हमने कई प्रश्नों को संकलित किया हुआ है, इसलिए हिंदी में प्रचलित प्रमुख चिन्ह निम्न प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट है पूर्ण विराम। अब देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह का इस तरह प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए, पूर्ण विराम जो कि सबसे प्राचीन यानी प्राचीन विराम है, प्राचीनतम चिन्ह है, जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। और अगर इसका प्रयोग आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, तो इसका प्रयोग यानी पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्हों में, प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है अल्पविराम। तो देखिए, अल्पविराम का साइन इसका होता है चिन्ह, और अल्पविराम का प्रयोग, अल्पविराम का प्रयोग अर्धविराम की तुलना में, जहाँ पर अर्धविराम की तुलना में कम थोड़ा देर यानी कम देर रुकना हो, वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, नहीं, अतः, इन सबसे यानी इन शब्दों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अर्धविराम। तो अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार होता है, और अर्धविराम का प्रयोग देखिए, जहाँ पर अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो, यानी जहाँ पर क्या हो, अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो और अल्पविराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना हो, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न सूचक, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विस्मयबोधक या संबंध सूचक। तो देखिए, विस्मयबोधक वाक्यों के अंत में यानी जो जिन वाक्यों में हर्ष आए, उल्लास आए, आश्चर्य आए, विस्मय हो, घृणा हो आदि शब्द हो, इनके सबके अंत में इस प्रयोग यानी विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। निर्देशक चिन्ह। तो देखिए, निर्देशक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, और इसका प्रयोग संवादों को लिखने में, यानी किसका लिखने में, संवादों को लिखने में, और जहाँ किसी भी व्यक्ति के क्या है विचार को विभक्त करना है यानी उनको अलग अलग करना है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। तो देखिए, योजक चिन्ह जो होता है वो निर्देशक चिन्ह से का थोड़ा छोटा होता है, और इसका प्रयोग समासिक पदों को अलग करने में, या पुनरुक्त शब्द यानी जो बार बार आते हैं, युग्म होता है यानी पुनरुक्त युग्म शब्दों के बीच में इसका प्रयोग या मध्य में किया जाता है। नेक्स्ट है कोष्टक। देखिए, छोटा कोष्टक कई प्रकार के, कोष्टक का प्रयोग, तो देखिए कोष्टक का प्रयोग क्या होता है, जो भीतरी सामग्री होती है, जो मुख्यतः पार्ट होता है उसका, जो मुख्य वाक्य का अंग होता है यानी मुख्य वाक्य के अंग को लिखने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। किसको? मुख्य वाक्य का अंग हो उसे लिखने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो देखिए, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का साइन इस प्रकार होता है। अब देखो, इसका प्रयोग यानी किसी भी व्यक्ति हो या कोई राइटर हो, उसके वाक्य को ज्यों क्यों तो लिखने में, यानी उसी वाक्य को ज्यों के त्यों रख दिया जाए, तो वह वहाँ पर क्या है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डबल सिंगल कॉमा क्लोज या सिंगल कॉमा क्लोज में भी किया जाता है। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। तो देखिए, विवरण चिन्ह का प्रयोग साइन इस प्रकार होता है, और इसका प्रयोग वाक्यांशों को निर्देश में किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन करने में, यानी किसी वस्तु को सविस्तार यानी पूरी तरह से विस्तार से वर्णन करने में किया जाता है। नेक्स्ट है हंसपद। हंसपद को हम त्रुटिपद भी कहते हैं, यानी हंसपद या त्रुटिपद। इस वाक्य का या इस चिन्ह का प्रयोग जहाँ पर वाक्यों में कोई क्या त्रुटि हो जाती है, कोई वाक्य छूट जाता है, वहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए, यहाँ पर जन्मसिद्ध छूट गया कहीं, तो यहाँ इस तरह से लगा देंगे और उस वाक्य को यहाँ लिख देंगे हम जन्मसिद्ध, तो ये त्रुटि पद होता है, इसका प्रयोग यहाँ किया जाता है। और एक और पद होता है जो यहाँ पर है नहीं। नेक्स्ट है रेखांकन चिन्ह। तो देखिए, रेखांकन चिन्ह का प्रयोग, जैसे 12 नंबर देंगे हम, रेखांकन चिन्ह का प्रयोग क्या है, किसी महत्वपूर्ण वाक्य को रेखांकित करने के लिए, यानी किसी जो भी आपका महत्वपूर्ण वाक्य है उसे हम रेखांकित कर देते हैं,
वहां पर इसका रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है लोप चिन्ह, लोप चिन्ह यानी 13 है आपका लोप चिन्ह। तो देखिए लोप चिन्ह का प्रयोग, लोप चिन्ह का प्रयोग जहां पर किया जाता है यानी किसी अनुच्छेद में, कोई आपने अनुच्छेद लिखा, अनुच्छेद आपने कोई लिखा उसमें कुछ अंश को छोड़ दिया जाता है, छोड़कर आगे लिखना होता है, तो उसमें क्या होता है लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा परिचाई घड़ी आ रही है, उसमें डेड डैश लगा दो, उसके बाद क्या करते हम करेंगे या मरेंगे, तो इस तरह इस चिन्हों का प्रयोग लोप चिन्हों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किस प्रकार कर सकता है। तो देखिए अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, एक तो मौखिक होती है एक लिखित होती है। तो शिक्षक को अगर किसी बालक में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में पूछना, उनके बारे में, क्योंकि जिससे बच्चे क्या होंगे त्यौहारों को जानेंगे समझेंगे और उनकी संस्कृति का भी अध्ययन करेंगे, जिससे उनके मानसिक शक्ति का भी विकास होगा। और आपको मैं कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और क्यों, अगर शिक्षक या बालक से यह प्रश्न करता है कि आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है क्यों लगता है, तो बाक्य तो बालक क्या करेगा उस त्यौहार के बारे में अपने विचार व्यक्त करेगा, जिससे क्या होगा वो विचार मौखिक व्यक्ति का विकास होगा और विचार यानी कल्पना शक्ति का भी विकास होगा बालक के अंदर। नेक्स्ट है आपके यहाँ त्यौहारों पर खाने की क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों से बालक में क्या होगा मानसिक शक्ति का विकास होगा, क्योंकि बालक कल्पना शक्ति विचार शक्ति और तर्क शक्ति के द्वारा इन सभी का जवाब देगा और अपने विचार व्यक्त करेगा मौखिक व्यक्ति के थ्रू। क्या आप में से एक दूसरे से मिलने भी जाते हैं, अगर हों तो क्यों, आपस में मिलकर कोई पर्व या विशेष का गीत गाना उससे संबंधित चर्चा द्वारा बात को आगे बढ़ाएं, बच्चों को गीत गाने के लिए प्रेरित करें, चाहें तो कोई वाद्य यंत्र या मेज का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी इस तरह यानी मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए बालकों में इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं। और कई प्रतियोगिताएं भी जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, यानी क्या वाद विवाद प्रतियोगिता आपके मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए और कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए की जाती है। अंताक्षरी है, बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति विकास करने के लिए अंताक्षरी का भी प्रयोग किया जाता है। और बालकों में कविता पठन के भी द्वारा, यानी कविता क्या होता है सजीव वर्णन क्या चित्रों के द्वारा सजीव यानी अनुभूति करना बालकों में, इस तरह से बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं वो आपको बताने हैं। तो आंसर होगा हमारा कविता शिक्षण के उद्देश्य हमारे निम्न हैं, जिसमें शब्दों को या शब्दों का स्पष्ट एवं मानक उच्चारण करने के लिए, यानी बालक में अगर कविता को सुनाना या समझना है तो सबसे पहले क्या शब्दों का जो स्पष्ट उच्चारण होता है, बालक में कई बार क्या होता है त्रुटियाँ होती हैं बोलने में समझने में, तो उनको स्पष्ट उच्चारण के लिए कविता का पाठ कराया जाता है। भावानुकूल वाचन के लिए, यानी बालक सजीव चित्रों द्वारा, यानी कविताओं में चित्रों से संबंधित होते हैं, चित्र दिए होते हैं, जिसके कारण क्या सजीव भाव क्या है भावानुकूल के लिए उसे वाचन के लिए भी किया जाता है। गति एवं प्रवाह के साथ वाचन की योग्यता, यानी बालक को कविताएं पढ़ने से उनके जो विराम चिन्हों का वर्णमाला का हिंदी का आदि का ज्ञान होता है, जिससे वो गति लय और वाच आदि गति का प्रवाह के साथ साथ इसकी योग्यता को विकसित करते हैं। छोटे बच्चों के लिए लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने तथा उन्हें कंठस्थ कराना, यानी कविता के द्वारा जो गीत होते हैं बच्चे क्या है कविता के जल्दी गावा करके उसे जल्दी कंठस्थ याद कर लेते हैं। अन्य बच्चों की समझ सुनाने की योग्यता विकसित करना, यानी बालक जब किसी कविता को याद कर लेता है तो उसमें एक आत्मविश्वास जागृत होता है, जिसके कारण वो क्या होता है अन्य बच्चों के सामने वह सम्मुख अपनी कविता को प्रस्तुत करता है और अच्छे हावभाव के ढंग से प्रस्तुत करता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें आत्मशक्ति का भी विकास होता है। कविता को व्यक्तिगत तथा समूह के साथ हाव भाव आरोह अवरोह के साथ सुनाने की योग्यता विकसित करना, यानी जब भी शिक्षक बालकों में कविता सुनाते हैं तो सबसे बात यही है कि अपने हाव भाव आरोह अवरोह के साथ कविता को सुनाना चाहिए, जिससे क्या है बालक सजीवन महसूस करें अनुभव करें सजीवन महसूस अनुभव करेंगे तो बालक क्या करेंगे इससे बालक या शिक्षक का अनुकरण करेंगे, अनुकरण के द्वारा वो इसे शीघ्रता से सीख लेंगे। कविता के नाटकीय के साथ सुनने की दक्षता विकसित करना, अंगद रावण सम्मान तथा परशुराम लक्ष्मण संवाद, सूरज और हवा आदि कविता के कलात्मक संवाद को भावात्मक अंदाज में सुनाने की दक्षता का विकास करना, यानी कविता शिक्षण के द्वारा बालकों में भावात्मक कल्पना शक्ति आदि का विकास करने के लिए कविता का प्रयोग किया जाता है, यानी कविता को कंठस्थ या पढ़ाया जाता है, जिससे बालक में उचित आरोह अवरोह का योग्यता विकसित हो और अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करने की भी योग्यता विकसित हो। नेक्स्ट है अक्षर का अर्थ लिखिए। देखिए अक्षर नाम से ही सिद्ध हो रहा है नाक्षर, यानी जो कभी नष्ट नहीं होते हैं नाक्षर, अक्षर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नाक्षर यानी जो कभी
क्षरण नहीं होता है, मतलब नष्ट नहीं होता है, उसे हम अक्षर कहते हैं। जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ होता है नाश होना तथा आ का अर्थ होता है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है, अक्षर शब्द मिलकर रूप से लेते हैं, यानी जो शब्द जिनका कभी नाश नहीं होता है, नाशवान नहीं होते, उन्हें अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में वर्णों के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वरों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी स्वर जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी होती है स्वरों में। लेकिन जब व्यंजनों को स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे का में क्या है, आ छुपा हुआ है, क्योंकि का हलंत आ और आ मिलकर ही क्या है बनाते हैं, का बनाएंगे। इस तरह देखो, का के उच्चारण में हमें आ की भी यानी स्वर की आवश्यकता होती है। तो जो व्यंजन होते हैं जो बिना स्वरों की सहायता से कभी उच्चारित नहीं होते, लेकिन स्वर होते हैं स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, यानी उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण पर आश्रित नहीं होते हैं, जबकि व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, कहीं कहीं बुक में 45 वर्ण भी लिखे हुए हैं। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में ना ही इसने देखो वर्ण पूछा है, अब इसने ये नहीं पूछा है प्रश्न में कि उच्चारण के आधार पर या लेखन के आधार पर। तो देखिए, उच्चारण के आधार पर तो आपके 45 वर्ण होते हैं आपको याद रखना है, या 44, जिसमें क्या होता है 10 तो स्वर होते हैं आपके, कितने स्वर होते हैं 10 स्वर होते हैं, और 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें द्विगण व्यंजन भी आ जाते हैं इसमें 35 में। अगर लेखन के आधार पर पूछा जाए, अगर प्रश्न में लेखन के आधार पर पूछा जाए कि लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बताना होगा लेखन के आधार पर जो वर्ण होते हैं हमारे, लेखन के आधार पर जो वर्ण होते हैं 52 यानी 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। इस तरह, लेकिन इस प्रश्न में सिर्फ वर्णों को पूछा जाए, अगर आप 44 लिखेंगे या 45 लिखेंगे वो भी ठीक है, अगर आप 52 भी लिखते हैं तो वो भी इसका राइट आंसर राइट होगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि लेखन के आधार पर और या उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समास के भेद बताइए, या तो समास की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, या समास के भेद बताइए। तो देखिए, दो या तीन शब्दों के सम्मिलित से भी नए शब्दों की रचना की जाती है, इन शब्दों को समास कहा जाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, इसमें थोड़ी डेफिनेशन आपके शब्दावली आपको पसंद आए, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर नए जो शब्द बनते हैं या सार्थक जिनका एक अर्थ होना चाहिए, वो समास कहलाते हैं। समास को हमेशा संक्षेप में लिखें तो इसका अर्थ होता है संक्षेप। अगर आपके अर्थ पूछा जाए कि समास का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है संक्षेप, यानी समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप होता है। इस समास का अगर अर्थ पूछा जाए तो समास का अर्थ हमेशा आपको लिखना होगा, समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप, क्योंकि समास में क्या होता है, संक्षिप्तीकरण एक प्रक्रिया होती है, जिसके कारण इसे संक्षेप में कहते हैं। और जो समास बने होते हैं वो पदों के मिलने से बनते हैं, यानी समास हमेशा पदों के मिलने से ही बनते हैं। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं। अगर यही प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछा जाए तो समास के प्रकार बताइए, तो आपको 4 प्रकार बताने होंगे, क्योंकि पिछली बार भी आयोग ने 4 ही प्रकार को सही माना है, ना कि 6 प्रकार। आगे बताते हैं आपको। तो देखिए, जिसमें फर्स्ट है तत्पुरुष समास। तो देखिए, तत्पुरुष समास इसमें प्रथम शब्द गौण होता है, यानी जो हमारा तत्पुरुष समास होता है उसमें जो उत्तर पद होता है, जो क्या होता है उत्तर पद होता है, वो प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में क्या होता है, एक कारक चिन्ह लगा होता है, कोई भी कारक चिन्ह लगा होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए, तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, आपको याद रखना है, जो भी पद प्रधान होगा वो उत्तर प्रधान होगा, और प्रधान शब्द संज्ञा अथवा विशेषण होता है, कोई भी यानी जो प्रधान उत्तर पद होता है वो क्या है, संज्ञा या विशेषण होगा, जैसे आर्यपुत्र, स्वाधीन आदि। तो देखिए, अगर आपको टेट में 4 प्रकार से पूछा जाता है, देखो कर्मधारय समास होता है, इसी के ये भेद होते हैं तत्पुरुष समास और द्विग समास, यानी कर्मधारय समास के ही ये दोनों भेद हैं, इसलिए आयोग इसे 4 प्रकार से मानता है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। तो देखिए, कर्मधारय समास इस समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। देखो, आपको उत्तर पद प्रधान किन किन में समास में होता है आपको याद रखना है, एक तो तत्पुरुष पद समास होगा, क्या होगा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में आपको ट्रिक बता देते हैं, कर्मधारय में
और द्विग समास में, इन तीनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है। आपको याद रखना है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विग समास, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेष और दूसरा पद संज्ञा सर्वनाम होता है। जैसे नील कमल, यानी क्या है, नील कमल, नीला है कमल, यानी किसी, इसमें देखो प्रधान कौन सा है, उत्तर पद प्रधान है नील कमल, इसमें नीला विशेषण और कमल जबकि संज्ञा है। इसी तरह द्विग समास, तो देखिए इसमें भी क्या होता है, समास में पहला एक पद एवं संख्यावाची विशेषण एवं दूसरा पद संज्ञा। तो देखिए जो द्विग समास होता है इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, संख्यावाची शब्द, यानी संख्यावाची शब्द की आय होते हैं, इसलिए वह द्विग समास कहलाता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समूह, त्रिभुवन, तीन भवनों का समाहार, दो पैर, दो पैरों का समाहार। इसलिए ये क्या होता है, इसमें एक समूहवाचक, इसे पहचानना हो तो हमें कैसे, समूहवाचक, यानी क्या होगा, एक समूह में लगे होते हैं इसलिए। नेक्स्ट है द्वंद समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद समास कहलाता है। अगर इन्हें विग्रह करने पर, विग्रह करने पर और या अथवा लगा हुआ है द्वंद समास कहलाता है, यानी अगर इनका विग्रह किया जाता है तो विग्रह करने पर क्या होगा, और लगा होगा, अथवा लगा होगा, या एव, इन सब में से कुछ आ सकता है, तो ये द्वंद समास कहलाए। जैसे माता पिता, सुख दुख, राम लक्ष्मण आदि, ये सब क्या है, एक द्वंद समास के उदाहरण हैं। अगर इनकी पहचान बतानी है तो देखिए पहचान इनके याद रखना है कि द्वंद समास में हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका चिन्ह प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का, आपको इसकी पहचान है योजक चिन्ह का। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद की ओर बोध करता है, यानी बहुव्रीहि समास में ना तो उत्तर पद प्रधान होता है ना ही प्रधान होता है। ये क्या होता है, इन सभी की ये तीसरे पद को विशेषता बताते हैं, ना प्रथम पद ना द्वितीय पद, ये क्या होता है द्वितीय पद की, यानी तीसरे पद की क्या है, विशेषता, यानी तीसरे पद को विशेषण बताते हैं। इसलिए जैसे त्रिलोचन, तीन नेत्र हैं जिनके, जैसे शिव को वे समर्पित करें, तीन नेत्र वाले कौन है, शिव। इसलिए गिरधर, यानी गिर को धारण करने वाले, यानी पर्वत को धारण करने वाले कौन थे, श्री कृष्ण, यानी तीसरे किसी व्यक्ति विशेषण को बता रहा है, यानी तीसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। नीला है कंठ जिसका, यानी नीलकंठ, नीलकंठ किसको बोलते हैं हम, शिव जी को, नीला है कंठ जिनका, तो शिव जी को। तो बहुव्रीहि समास की सबसे बड़ी पहचान यही है आपको, तो आपको याद रखना है कि बहुव्रीहि समास जो होता है इनमें से दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, ये तीसरे पद, यानी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास, तो देखिए इसमें प्रथम शब्द प्रधान होता है जबकि द्वितीय शब्द क्रिया विशेषण होता है, जैसे बेधड़क, भरपूर इत्यादि। तो देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है, यानी जिसे हम पूर्व पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्व पद, पूर्व पद अव्यय होगा तथा प्रधान होगा, उसे हम अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। अगर इनकी पहचान लिखनी है तो देखिए अव्ययी भाव को पहचानने के लिए आपको एक ट्रिक देते हैं, अव्ययी भाव को जब भी पहचानना है तो सबसे पहले इनमें अनु, आ, प्रति, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि शब्द का ये शुरुआत में लगे होंगे, यानी ये प्रारंभ में, इन सबसे क्या होता है, ये प्रारंभ होते हैं, इसलिए अव्ययी भाव समास को हम इस तरह पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इस प्रश्न में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो आपको वाक्य के अंग याद रखने हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, दो अंग, जिसमें फर्स्ट होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, ये दो अंग होते हैं आपको याद रखने हैं, उद्देश्य और विधेय, किसी भी वाक्य में दो अंग होते हैं। और वाक्य के प्रकार बताने हैं, अब इसमें ना ही लेखन के आधार पर पूछा है ना तो अर्थ की रचना के आधार पर, तो आप किसी भी प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो व्याकरण के अनुसार वाक्य के तीन प्रकार के होते हैं, जो कि रचना के आधार पर इसके तीन प्रकार होते हैं, जिसमें सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य आते हैं। कौन कौन से वाक्य आते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, कौन कौन से आते हैं इसमें, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो देखिए सरल वाक्य में, सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है, क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, आपको सबसे बड़ी ये पहचान है इसकी सरल वाक्य की, एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। और इसी तरह अगर मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य को हम पहचाने तो सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, यानी सरल वाक्य दो सरल वाक्यों से मिलकर बना होता है मिश्रित वाक्य। इसी तरह हम अगर संयुक्त वाक्य की आपको पहचान बताएं तो प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, इन दोनों से मिलकर बने होते हैं आपके संयुक्त वाक्य। ये फर्स्ट है सरल वाक्य, सरल वाक्य में एक ही प्रक्रिया होती है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की,
जैसे मैंने कि आपको पहले ही बताया था कि सरल वाक्य में आपको एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, आपको याद रखना है। इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, यानी सरल वाक्य को ही क्या कहते हैं, हम साधारण वाक्य। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। देखिए एक मूल वाक्य के साथ एक या एक से अधिक वाक्य जुड़े हों तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे घंटा बजाते ही अध्यापक कक्षा में आ गए, विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन किया। तो देखिए मिश्रित वाक्य को पहचानने के लिए, या जिन वाक्यों में, अगर इसकी डेफिनेशन बोलें तो हम, देखिए जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य क्या हो, उपवाक्य आश्रित हो। जैसे कि मैंने अभी बताया था अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो वह क्या कहलाता है, मिश्रित उपवाक्य होता है। अगर इनकी देखो पहचान करनी है तो के, देखो पहचान चिन्ह बता दें हम आपको, के, जो, वह, जितना, उतना, वैसा, जैसा, जब, तब, जहाँ, तहाँ, जिधर, उधर, अगर, मगर आदि इन वाक्यों से अगर यह जहाँ भी मिलें तो आप पहचान लोगे वो मिश्रित वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। इस तरह देखो जैसे घंटा बजते ही कक्षा में अध्यापक आ गए, विद्यार्थी उठ खड़े गए और, तो देखो ये शब्द आ गया और, तो आपको याद रखना है ये पहचान चिन्ह इनकी। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। तो देखिए संयुक्त वाक्य जो होता है यह वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें सरल अथवा मिश्रित वाक्य जुड़े होते हैं और एक लंबे वाक्य का रूप ले लेते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में आए, कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गया, अध्यापक ने सर्वप्रथम विद्यार्थी की उपस्थिति नोट की और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था दो या दो से अधिक वाक्य मिलकर एक योजक चिन्ह के द्वारा, सरल वाक्य ये कुछ योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे और, एवं, तथा, या आदि, ये सब अगर मिले तो वहाँ पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आशा करते हैं मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो करेंगे लाइक एंड शेयर, और इसी तरह आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। धन्यवाद मित्रों।